तो ईद का त्योहार देश भर में जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसलमेर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर ईद की बधाई का सिलसिला जारी है। अल्पसंख्यक मामला मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। सालेह मोहम्मद ने अपने गाँव भागू गाँव में ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश में खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं सालेह मोहम्मद को भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से ईद के मुबारक मौके पर एक पौधा जरूर लगाने की अपील की। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, ईद का त्यौहार है, तो इस खुशी के मौके में मैं प्रदेश की पूरी जनता को बधाई देना चाहूँगा कि आने वाला टाइम देश के लिए, प्रदेश के लिए अमन और शांति बनी रहे, भाईचारा आपस में बना रहे, खुशियां लाए। ये मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।